गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो वी आर डूइंग द रीडिंग ऑफ द लेसन नेचुरल एजुटेशन एंड वाइल्ड लाइफ सो वी हैव रेड अबाउट द टाइप्स ऑफ एजुटेशन फाउंड इन इंडिया इंडिया में किस किस तरह की वेजुटेशन पाई जाती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द वाइल्ड लाइफ दट इज फाउंड इन इंडिया इंडिया में किस किस तरह की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है वन्य जीव क्या हैं किस तरह के हैं वो सभी हम आज पढ़ने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस टाइटल वाइल्ड लाइफ लाइक इट्स फ्लोरा इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फोना जिस तरह से फ्लोरा मीन्स प्लांट्स की हमने वराइटीज देखी हैं स्पीसीज देखी हैं अलग अलग तरह से वेजिटेशन देखी है अलग अलग उसी तरह से इंडिया में फोना मीन्स एनिमल्स बर्ड्स या जितनी भी चीजें हैं ये भी बहुत से अलग अलग तरह की पाई जाती हैं इट हैज अप्रोक्सीमेटली नाइनटी थाउजेंड एनिमल स्पीसीज इंडिया में लगभग नब्बे हज़ार जो एनिमल स्पीसीज हैं प्रजातियाँ पाई जाती हैं द कंट्री हैज़ अबाउट टू थाउजेंड स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एनिमल्स की नाइन्टी थाउजेंड स्पीसीज के साथ साथ टू थाउजेंड स्पीसीज बर्ड्स की भी हैं पक्षियों की भी हैं दे कॉन्स्टिट्यूट थर्टीन परसेंट ऑफ वर्ल्ड टोटल और इंडिया में ये जो अलग अलग तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं ये वर्ल्ड के टोटल जो वर्ल्ड का हमारा है फोना का उसमें से थर्टीन परसेंट है देर आर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर्टी सिक्स पीसीज ऑफ फिश मछलियाँ जो हैं उनकी भी दो हजार पाँच सौ छियालीस प्रजातियाँ पाई जाती हैं विच अकाउंट फॉर नियरली ट्वेल्व परसेंट ऑफ वर्ल्ड स्टॉक सो पूरे वर्ल्ड में जितनी स्पीसीज पाई जाती हैं फिश की उसमें से ट्वेल्व परसेंट इंडिया के अंदर है इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन फाइव एंड एट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड मेमल्स तो इंडिया में पाँच से लेकर आठ परसेंट के बीच वर्ल्ड में पाए जाने वाले एम्फीबियंस हैं यानी कि जो पानी में भी रहते हैं लैंड पर भी रहते हैं रेप्टाइल है जो रेंककर चलते हैं जैसे स्नेक है एंड मेमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं इस तरह की जो प्रजातियाँ हैं वो पाँच से आठ परसेंट इंडिया में पाई जाती हैं द एलीफेंट्स आर द मोस्ट मजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मेमल्स सो जो मेमल्स हैं उनके अंदर सबसे जो राजशाही है जो सबसे मजेस्टिक है वो एलिफेंट है दे आर फाउंड इन द होट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम सो एलिमेंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं ये एलिफेंट्स आसाम के जो वेट वेस्ट फॉरेस्ट हैं उनके अंदर कर्नाटका में एंड केरला में वन होन रैनोसोर्स आर द अदर एनिमल्स एक सिंग वाला जो रायनो है वो एक अदर एक प्रजाति बताई है विच लिव इन स्वम्पी एंड मार्शल लैंड ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल दलदल वाले क्षेत्र हैं जो गीले क्षेत्र हैं आसाम के और वेस्ट बंगाल के ये वहाँ पर पाए जाते हैं एरिड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच इंड द थर्ड डेजर्ट और दैबिटेट फॉर वाइल्ड आइस एंड कैमल्स रिस्पेक्टिवली सो जो सूखे एरिया है रन ऑफ कच ये गुजरात में है यहाँ पर वाइल्ड आइस पाए जाते हैं और थर्ड डेजर्ट जो राजस्थान में है वहाँ पर कैमल्स पाए जाते हैं इंडियन बाइसन नील गाय चोशिंगा गजल

इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया अकेली एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जहाँ पर लायंस और टाइगर्स दोनों ही पाए जाते हैं द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज गिर फॉरेस्ट इन गुजरात सो so, जो इंडियन लायन है उनका नेचुरली जो उनका रहने की जगह है, हैबिटेट है वो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश द सुंदरबन ऑफ वेस्ट बेंगोल एंड द हिमालयन रीजन टाइगर्स हमारे पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में वेस्ट बंगाल के सुंदरबन वालों में और हिमालय क्षेत्रों में भी एक की के ही हैं दे आर इंपोर्टेंट अमंग एनिमल्स ऑफ प्रे जो शिकार करने वाले होते हैं उनमें ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है स्वेक और जीको के रिगार्डिंग यहाँ पर दिया गया है गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लाइन जो एशिया में लाइन पाए जाते हैं उनका ये लास्ट जगह बची है जहां पर गिर फॉरेस्ट में ही अभी ये पाए जाते हैं द हिमालय हार्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स हिमालयाज में बहुत ज्यादा जो कि कठिन परिस्थितियों में सर्वाइव कर सकते हैं इस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं विथ सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड बहुत ज्यादा ठंड में जो सर्वाइव कर सकते हैं लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर होम टू यारेगी हॉन्ट वाइल्ड ऑक्स तो लद्दाख में जो बहुत ज्यादा ठंडे हैं वहाँ पर बर्फबारी होती है उन तो क्षेत्रों में दूसरा तो क्या है, sorry, वो है। कि बड़े बालों वाला और सींग वाला जो वाइल्ड ऑक्स है वो पाया जाता है जिसका की लगभग वेट होता है वन टन के अकॉर्डिंग वन टन के अराउंड तो एंटीलोप द भरल ब्लू सिप वाइल्ड शिप एंड द तिब्बतन वाइल्ड ये भी वहां पर इम्पोर्टेंट पाए जाते हैं फर्दर मोर द इबेक्स बेयर स्नो लेपर्ड एंड रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन सर्टन पॉकेट्स सो इनके अलावा और भी हैं जैसे बेयर है स्नो लेपर्ड है और जो रेयर है एक बड़ा मुश्किल से इन एरिया में मिलता है रेड पांडा है वो भी यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं इन द रिवर्स लेक्स एंड कोस्टल एरियाज टर्टल्स क्रोकोडाइल्स एंड घडियाल्स आर फाउंड सो so, जो रिवर्स वाला लेक्स वाला और कोस्टल एरिया वाली जो जगह है वहां पर टर्टल्स पाए जाते हैं क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं और घड़ियाल्स पाए जाते हैं द लेटर इज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव वराइटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन वर्ल्ड टूडे सो जो घड़ियाल के बारे में बोला गया वो क्या है वो भी क्रोकोडाइल मगर वाली जो प्रजातियां उनमें से ही ये एक है जो कि आज संसार में पाया जाता है बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल तो इंडिया में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग डिफरेंट कलर्स के बर्ड्स पाए जाते हैं पेकॉक्स फेजन तीतर होते हैं डक्स पैराकेट्स ये भी एक पैरेट जैसा ही एक वैरायटी का होता है क्रेन्स जो सारस होते हैं एंड पीजेंस आर समर्ड्स इनहेबिटिंग द फोरेस्ट एंड द वेट लैंड ऑफ द कंट्री वी हैव सेलेक्टेड आर क्रॉप्स फ्रॉम अ बायोडाइवर्स एनवायरमेंट तो हमारे यहाँ पर हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है जो हमारी क्रॉप्स होती हैं हमने उनमें से ही सिलेक्ट किया हुआ है दैट इज़ फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स हमने क्रॉप किनको बनाया किन प्लांट्स को जो कि एडिबल हैं जो कि खाने योग्य हैं वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सिलेक्टेड मेनी मेडिसिनल प्लांट्स हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं और सिलेक्ट किए हुए हैं बहुत सारे औषधियों वाले जो पौधे हैं द एनिमल्स वर आर सिलेक्टेड फ्रॉम द लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय द नेचर एज मिल्च एनिमल तो जो एनिमल्स हमने किए हुए हैं वो ऐसे एनिमल्स से हमने उनको निकाला हुआ जो कि हमें मिल्क वगैरह रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अस ड्राफ्ट पावर जो कि हमें एक ड्राफ्ट पावर भी देते हैं यानी कि जो हमें खुराक मिलती है जो खाने की चीज़ें वो सारी पूरी करते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देते हैं मीट एंड एग्स ऑल्सो दे प्रोवाइड टू अस द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड फिर से जो है फिश से जो हमें पोषक एक खाना मिलता है जो कि न्यूट्रीन से भरपूर होता है मैन इनसेक्ट हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट ट्रीज एक्सेप्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट इज़ हार्मफुल सो बहुत से इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि पोलिनेशन में पोलिनेशन जो साइंस में आप पढ़ते हो कि जो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ऐसे चले जाते हैं तो पोलिनेसन होता है जो कुछ एनिमल्स हैं इनमें हेल्प करते हैं फ्रूट्स के और क्रॉप्स के और यदि इस तरह के एनिमल्स पर हम किसी तरह का कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं तो ये बड़ा ही हार्मुल हो सकता है एवरी स्पीसीज हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इको सिस्टम सो जितनी भी तरह की प्रजातियां बनी हैं सभी की अपने अपने एक रोल है हैंस कंजर्वेशन इज असेंशियल इसलिए इन सभी को बचाए रखना बहुत ही जरूरी है एज हैज़ बिन मैंसन अर्लियर ड्यू टू द एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल रिसोर्स बाय ह्यूमन बींग्स द इको सिस्टम हैज़ बिन डिस्टर्ब सो पहले जैसे हम मैंशन कर चुके हैं कि हमने बहुत ज़्यादा शोषण किया है प्लांट्स का और एनिमल रिसोर्सिस का इंसानों के द्वारा किया गया है तो इससे जो हमारा इको सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो चुका है उसमें असंतुलन आ गया है अबाउट 1300 प्लांट स्पीशीज आर एंडेंजर्ड लगभग तेरह ऐसी प्लांट की स्पीशीज है जो कि खतरे की कगार पर हैं एंड ट्वेंटी स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट जिनमें से 20 प्रजातियां जो प्लांट्स की वो है विलुप्त हो चुकी हैं क्वाइट ऑफ फ्यू एनिमल स्पीशीज आर ऑल्सो एंडेंजर्ड कुछ एनिमल की स्पीशीज भी ऐसी हैं जो कि खतरे की कगार पर हैं एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट और कुछ उनमें से विलुप्त हो चुके हैं द मेन कोजेस फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग बाई ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पजेज सो मेन रीजन क्या है कि जो हमारे नेचर को इतना खतरा है वो क्या है कि जो शिकारी होते हैं अपने लालच को पूरा करने के लिए शिकार करते हैं और ये एनिमल्स वगैरह हैं जो प्लांट्स हैं इनको वो जो है पोच करते हैं मतलब गैरकानूनी तरीके से उनको वो शिकार करते हैं फिर अपने फ़ायदे के लिए उनको बेचते हैं hmm. पोल्यूशन डू टू केमिकल एंड इंडस्ट्री वेस्ट पोल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है केमिकल की वजह से इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है एसिड डिपोजिट्स इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पेसीज अलग अलग बाहर से दूसरी स्पेसीज आ गई हैं एंड रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन और जो अंधाधुंध कटाई की जा रही है जंगलों की ताकि उस जगह को कृषि के लिए प्रयोग किया जा सके एंड हैबिटेशन और लोगों को रहने के लिए आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बेलेंस तो ये जो सारी चीजें हैं हमारे पर्यावरण में जो असंतुलन आया है उसके लिए सारी चीज़ें जिम्मेवार हैं सो टू प्रोटेक्ट द फ्लोर एंड फोना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैजन मैनी स्टेप्स हमारी कंट्री के फ्लोर और फोनों को बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं सो नंबर वन स्टेप इज एटीन बाय स्प्य रिजर्व हैव बीन सेटअप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोर एंड फोना बायोस्फीयर बना दिए गए हैं कि हम इन फ्लोर ऑफनों को रिजर्व कर सकें हम उनको बचा के रखें टेन ऑफ दीज और इन जो अठारह बनाए हैं ये बायोस्फीयर इनमें से दस ऐसे हैं वो कौन कौन से हैं द सुंदरबंस नंदा देवी द गल्फ ऑफ मन्नार द नीलगिरी नोक्रेक ग्रेट निकोबार मानस सिमलीपाल पंचमढ़ी एंड अचनकमर अमरकंटक हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स तो वर्ल्ड लेवल पर एक पहचान दी गई है इन अठारह में से जो दस है हमारे सेकेंड स्टेप क्या है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी बोटनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस नाइनटीन नाइनटी टू नाइनटीन के बाद ऐसा कानून बना दिया गया कि कुछ जो हमारे बोटनिकल गार्डन्स हैं उनको फाइनेंशियल भी हेल्प की जा रही है और टेक्निकल भी इनमें से कौन से हैं कच्छ है कोल्ड कच डिजर्ट है शेषाचलम है, है और पन्ना है प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट राइनो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड सो टाइगर्स को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है राइनो मतलब जो गेंडा होता है उसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट राइनो चलाया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि जो भैंसा होता है उसको बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट अलग अलग चलाए गए हैं अलग अलग समय पर 103 नेशनल पार्क्स, 535 थर्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेटअप टू टेक केयर ऑफ द नेचुरल हेरिटेज जो है प्राकृतिक ये विरासत मिली है उसको बचाने के लिए 103 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं और 535 सौ पैंतीस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी गई हैं ताकि इन चीज़ों का जो हमें बचा के रख सकें सो ऑल ऑफ मस्ट ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इको सिस्टम फॉर आर ऑन सर्वाइवल तो हम सभी को अपने ही अपने आप को सर्वाइवल करने के लिए अपने आप को बचाने के लिए इन सभी चीजों की को समझना होगा इट इज पॉसिबल इफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट इज पुट टू एन इमीजिएट एंड और यह तभी संभव हो सकता है यानी कि जो हम ये अंधा धूंध बिना सोचा समझे जो नेचुरल एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं जितना जल्दी हो सके उसको उतना जल्दी ही खत्म करना होगा समाप्त करना होगा रोकना होगा सो देट्स ऑल अबाउट दिस लेसन वी हैव टोक्ड अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फाउंड इन इंडिया थैंक यू वेरी मच